प्रियंका की टीम ने दीवार पार की। सुप्रभात दादी माँ। सुप्रभात मीनू। अरे वाह, तुम तो बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या आज विद्यालय में कुछ खास है? दादी माँ, आप ठीक कह रही हैं। आज ज्यादा खुश होने का एक कारण है, हमारी अध्यापिका पूरी कक्षा को नगर ले जा रही हैं। हम वहाँ लड़कियों की हॉकी टीम से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का मैच जीता है। राष्ट्रीय स्तर का हॉकी मैच, ये तो बहुत अच्छी बात है, और वह भी हमारे गांव के पास की लड़कियों की टीम द्वारा। मीनू, तुम्हें उन लड़कियों से जाकर बात करनी चाहिए। लड़कियों का खेलों में भाग लेना आसान नहीं है। मगर क्यों दादी माँ? वह इसलिए क्योंकि कुछ परिवारों में शाम के समय लड़कियों को खेलने की इजाजत नहीं है, मगर इन लड़कियों ने राष्ट्रीय स्तर का मैच जीता है। मैं सचमुच उनसे मिलकर बात करना चाहती हूँ, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा दादी माँ, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी मीनू, जाओ, पर वापस लौटकर मुझे सारी बातें बताना। ठीक है दादी माँ। मीनू जल्दी आओ, चलो बस में चलें। लो, हम अपने स्थान पर पहुंच गए। यह हॉकी का मैदान है जहां लड़कियां अभ्यास करती हैं। आओ उनसे मिलें। मैं उनके प्रशिक्षक को भी देख रही हूं। सुप्रभात महोदय, हम पड़ोस के गांव से आपकी टीम से मिलने आए हैं। सुप्रभात महोदया, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये लड़कियों का मेरा सबसे अच्छा दल है। यह है दल की कप्तान प्रियंका, यह है रीना, सलमा, रोजी, सूर्यमोनी, लक्ष्मी, ताशी, झिमली और जुबैदा, और कुछ लड़कियां अभी अभी घर गई हैं। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बच्चों, हम सबको तुम पर बहुत गर्व है। ये मेरे कुछ विद्यार्थी हैं। ये है मीनू, श्यामा, शीला, मैरी, सायरा, पीटर, साहिल और चीनू। ये तुमसे बात करना चाहते हैं। हम सब तुम्हारी उपलब्धि का राज जानना चाहते हैं। नमस्ते प्रियंका, हम सभी को तुम पर और तुम्हारी टीम पर गर्व है। तुम कितना अच्छा खेलती हो, मगर हमारे गांव के कुछ परिवारों में शाम के समय लड़कियों को खेलने की इजाजत नहीं दी जाती। सबको नमस्ते, मगर मीनू सब तरफ एक सा माहौल ही है। हमारे गांव में भी बहुत सी लड़कियों को खेलने की इजाजत नहीं है। मगर प्रियंका, फिर तुम इतनी अच्छी हॉकी खिलाड़ी कैसे बन गई? इसके लिए मैं अपने प्रशिक्षक का धन्यवाद करती हूँ। हमारी अध्यापक इस मैदान में कुछ लड़कों को हॉकी सिखाया करते थे। मेरा भाई भी उन्हीं से सीखा करता था। देखो, वहाँ मेरा घर है। मैं रोज घर के बाहर खड़ी होकर उन्हें खेलते हुए देखती थी। एक दिन वह मेरे पास आई। उसने पूछा कि क्या वह भी ये खेल सीख सकती है। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। मैंने कहा कि मैं उसे भी हॉकी खेलना सिखा सकता हूँ, मगर उसने कहा कि वह दल में भी खेलना चाहती है। उसने पूछा कि
कि क्या मैं लड़कियों का दल बना सकता हूँ। मैंने उसे बताया कि अगर वह कम से कम 5 और लड़कियां ले आए तो मैं एक दल बनाकर सभी को सिखा दूंगा। अचानक 3 दिन बाद प्रियंका के साथ यहां 6 लड़कियां आ गईं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उन्हें सिखाना शुरू किया और आज तो तुम देख ही रहे हो, ये सभी चैंपियन हैं। क्या तुम सभी के परिवार वाले तुम्हारे खेल के लिए आसानी से मान गए? ओह नहीं नहीं, मैं हमेशा हॉकी खेलना चाहती थी। जब प्रियंका ने मुझे प्रशिक्षक के बारे में बताया तो मैंने अपनी माँ से दल में जाने के लिए पूछा। पहले तो उन्होंने साफ ना कह दिया। उनका कहना था कि उन्होंने कभी लड़कियों को हॉकी खेलते नहीं देखा है। मैं भी ज़ुबैदा के साथ थी, उसकी माँ मुझसे भी नाराज हो गई। ज़ुबैदा हर रोज सफाई और धुलाई में अपनी माँ की मदद करती थी। उसकी माँ नजदीक के घरों में काम करती थी और ज़ुबैदा विद्यालय से लौटकर उनकी मदद करती थी। ठीक कहा, पहले मेरी माँ ने कहा कि हॉकी खेलने पर मैं उनकी मदद नहीं कर सकूंगी। उन्होंने कहा कि खेलना जरूरी नहीं है। फिर मुझे उनकी बहुत मिन्नत करनी पड़ी। मैंने उनसे वायदा किया कि मैं उनकी मदद करने के बाद ही खेलने जाया करूंगी। ठीक कहा, सुबह ज़ुबैदा हमारी साथ विद्यालय जाती है। विद्यालय से लौटकर वह अपनी माँ के काम में मदद करती है। फिर वह मैदान में खेलने के लिए आती है। खेल के बाद घर लौटकर मैं अपना गृह कार्य करती और पढ़ती हूँ। ओ ज़ुबैदा, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। प्रियंका, क्या तुम भी खेलने के बाद पढ़ती हो? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी हॉकी खेलने के हक में है? हाँ, अब वे मेरा साथ देती है, मगर पहले नहीं देती थी। जब मैंने पहली बार उनसे हॉकी खेलने के बारे में पूछा था तब वे मुझ पर हंसने लगी। उन्होंने कहा कि खेल कूद लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं। मेरी दादी माँ भी हंसने लगी और मुझे लड़कियों की तरह बर्ताव करने को कहा। ओह, यह ठीक बात नहीं है। मेरी दादी माँ हमेशा लड़कियों का साथ देती है। वे कहती है कि ऐसा कोई काम नहीं जो लड़के कर सके और लड़कियां ना कर सके। आज बहुत सी लड़कियां डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पुलिस अफसर, पायलट और अन्य अफसर हैं। आज लड़कियां रक्षा अधिकारी भी हैं और अंतरिक्ष में भी गई हैं। बहुत सी मशहूर खिलाड़ी लड़कियां भी हैं, जैसे पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, करना मलेश्वरी और सानिया मिर्जा। लड़कों के बराबर मौका दिया जाए तो लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। मेरे पिताजी ने मेरी दादी माँ से यही कहा था। उन्होंने कहा कि मुझे हॉकी खेलना सीखना चाहिए। जब वे जवान थे तब वे भी हॉकी खेला करते थे और वे एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। उन्हें अपनी राज्य की टीम में खेलने के लिए भी चुना गया था, मगर अच्छे जूते और हॉकी खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उन्हें अपनी चारों बहनों का और माता पिता का ध्यान रखने के लिए काम करना पड़ा, इसीलिए वे खेल को जारी नहीं रख सके।
तब तो वे जरूर बहुत खुश होंगे। जब तुमने हॉकी खेलने की इच्छा दिखाई होगी, इसीलिए उन्होंने खेल सीखने में तुम्हारी मदद भी की। तुम ठीक कह रही हो मीनू, वे बहुत खुश थे। उन्होंने मेरी माँ और दादी माँ को मुझे हॉकी खेलने से रोकने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि लड़कियों जैसा व्यवहार ऐसा कुछ भी नहीं होता। वे मुझे बड़ा और मशहूर हॉकी खिलाड़ी बनाना चाहती थी। उन्होंने मुझे और मेरे साथी खिलाड़ियों को इस खेल के कुछ दांव पेंच भी सिखाए। आज हमारे चैंपियनशिप जीतने पर उन्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। उन्हें जरूर और भी गर्व हो रहा होगा कि तुम अपनी टीम की कप्तान भी हो। हाँ मैडम, मगर साथ ही वे मुझे यह भी सिखाते हैं कि मुझे कप्तान होने के कारण घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी टीम की दोस्त बनकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ओह, हम सब अपनी कप्तान को बहुत पसंद करते हैं। प्रियंका एक अच्छी कप्तान है। वह हमारी बहुत मदद करती है। उसने जाकर मेरे परिवार से भी बात की थी। जब मैं दीवार कूदकर मैदान में खेलने आ गई, तो मेरे परिवार वाले मुझ पर बहुत नाराज हुए। तुम दीवार कूदकर मैदान में आ गई? मगर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं रोज प्रियंका और अन्य लड़कियों को हॉकी खेलते देखा करती थी। मैंने अपने माता पिता से हॉकी खेलने की अनुमति मांगी। मुझे यह खेल सचमुच पसंद है, मगर मेरे माता पिता ने अनुमति नहीं दी। मेरी दादी माँ ने कहा कि लड़कियों में ताकत नहीं होती और वे खेल नहीं सकती। वे कहती थी कि मुझे पढ़ने की अनुमति मिल गई है, इसके लिए खुश होना चाहिए और उसके लिए आभारी होना चाहिए। मगर यह ठीक बात नहीं है। बहुत से परिवार अपनी लड़कियों को विद्यालय जाकर पढ़ने की अनुमति भी नहीं देते। हमें अनुमति देने के बाद वे चाहते हैं कि हम लड़कियां उनकी आभारी रहें। मगर हम उनकी आभारी क्यों रहे? लड़कों की तरह पढ़ने पर हमारा भी अधिकार है। हमारे देश में विद्यालय जाकर पढ़ना हर बच्चे का मूल अधिकार है। हमें विद्यालय भेजने के लिए हम उनका धन्यवाद क्यों करें? केवल लड़के ही क्यों पढ़े और हम घर पर काम करें? ठीक कहा, मुझे भी इसीलिए बुरा लग रहा था। तो एक दिन अपने माता पिता को बताए बिना मैंने अपने घर की दीवार फांद दी। मैं दौड़ती हुई खेल के मैदान में आई। सारी लड़कियां खेल रही थी। मैंने प्रशिक्षक से पूछा कि क्या मैं भी यह खेल सीख सकती हूँ। मैंने इससे कहा कि वे जरूर सीख सकती है, मगर इसके लिए उसके माता पिता की अनुमति जरूरी है। वे चिंतित हो गई। उसने बताया कि उसके माता पिता कभी अनुमति नहीं देंगे। फिर मैंने प्रियंका और दल की अन लड़कियों को रोजी के घर उसके माता पिता से बात करने के लिए भेजा। मुझे घर जाकर अपने माता पिता से मिलने में डर लग रहा था, मगर प्रियंका, सलमा, सूर्यमोनी और जुबेदा मेरे साथ थी। प्रियंका ने मेरे माता पिता से अच्छी तरह बात की। उसने कहा कि माता पिता द्वारा बेटों और बेटियों को बराबर अधिकार दिए जाने चाहिए।
आखिर मेरे माता पिता समझ गए और मान गए। उन्होंने मुझे हॉकी खेलने की अनुमति दे दी। उनकी अनुमति से दल में शामिल होकर मैं बहुत खुश थी। आज उन्हें मुझ पर गर्व है। तुम पर सभी को गर्व है रोजी। क्या तुम सब रोज अभ्यास करती हो? हाँ, हम हर रोज अभ्यास करते हैं। हमारी प्रशिक्षक हमारे साथ पूरी शक्ति बरतते हैं, इसलिए तो हम आज चैंपियन बन पाए हैं। पहले वे हमें एक घंटे तक व्यायाम कराते हैं। वे हमसे मैदान के 10 चक्कर लगवाते हैं और फिर बहुत देर व्यायाम भी करवाते हैं। इसके बाद वे हमें खेल सिखाते हैं। किस तरह गेंद को दूसरी की तरफ ढेलना है, कैसे अलावा देना है, कैसे लक्ष्य तक गेंद को पहुंचाना है, किस तरह से पेनल्टी पर गेंद मारनी है और कई अन्य बातें भी। हाँ, हमारे प्रशिक्षक हमारे साथ बहुत सख्त हैं, मगर वे बहुत दयालु भी हैं। हमें अपनी दौड़ और व्यायाम को बहुत ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो वे परेशान हो जाते थे। इससे हम मजबूत और तंदुरुस्त रहते थे। साथ ही साथ वे हमारे माता पिता से बात करते रहते थे। एक दिन हम सभी के माता पिता को बुलाकर उन्होंने बताया कि हमें भरपूर दूध दिया जाना चाहिए। सलमा की माँ ने एकदम से कहा कि सिर्फ लड़कों को ही मजबूत होने के लिए दूध की जरूरत होती है। तब हमारे अध्यापक ने उन्हें समझाया कि लड़का हो या लड़की, सभी की हड्डियों को बढ़ने के लिए दूध की जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि वास्तव में शरीर में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा के लिए लड़कियों को अधिक दूध की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वे हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। मैं जानती हूँ, बहुत से घरों में माता पिता केवल लड़कों को ही दूध देते हैं, वे लड़कियों को बिल्कुल दूध नहीं देते। ये बहुत गलत है। अब मुझे भी पीने को बहुत सारा दूध मिलता है। मैं भी अपने भाई जितनी ही मजबूत हूँ, बल्कि हमने उनकी टीम को हरा भी दिया। तुम्हारे दल ने तुम्हारे भाई के दल को हॉकी में हरा दिया? यह कैसे हो सकता है? क्या तुम लड़कों के साथ भी खेलती हो? हाँ, हमारे प्रशिक्षक ने हमसे कहा कि हमें लड़कों के साथ खेलना चाहिए। हमें अपने आप को सिर्फ खिलाड़ी समझना चाहिए, लड़का या लड़की नहीं। हाँ, मैं हमेशा इन्हें यही बताने की कोशिश करता हूँ। खेलते हुए तुम्हें सिर्फ इतना ही सोचना है कि तुम इस खेल के खिलाड़ी हो। तुम्हें ये कभी नहीं सोचना कि तुम एक लड़की हो। तुम्हें खिलाड़ी की ही तरह खेलना है, और अगर थोड़ी चोट लग भी जाए और तुम खेलने के काबिल हो तो खेल को जारी रखना चाहिए। हमने यही सब करने की कोशिश की। अगर कोई घायल हो भी गया तो हमने उत्साह पूर्वक उससे यही कहा कि सब ठीक है, चलो उठो, तुम कर सकते हो। तब वह खिलाड़ी अच्छा महसूस करता है और प्रोत्साहित हो जाता है। तुम सब एक दल की तरह बहुत अच्छा खेले होगे। मुझे पता है कि दल के सदस्यों में एक दल की तरह अच्छा खेलने के लिए आपसी सहयोग की
बहुत आवश्यकता होती है। हाँ मीनू, तुमने ठीक कहा। एक दल में खेलना अकेले खेलने से बहुत अलग होता है। दल के खेल में प्रत्येक सदस्य को स्वयं को दल का हिस्सा मानना चाहिए। उन्हें एक दूसरे का सहयोग और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। एक दल की तरह ना खेलने पर वे कभी मैच जीत नहीं सकते। इसी कारण आगरा की टीम हमसे हार गई। वे लड़ते रहे और परेशान होते रहे। क्यों? क्या हुआ था? बहुत कुछ। जब कोई गेंद को गलत ढील देता या मार ही ना पाता तो टीम के सभी सदस्य उस पर चलाते और गलती के लिए दोष देते। इस तरह पूरी टीम कई बार परेशान हुई। क्या तुम सब परेशान नहीं होते? क्या तुम लोगों को गुस्सा नहीं आता? नहीं, हमें गुस्सा नहीं आता। हमारे प्रशिक्षक ने हमें शांत रहने की शिक्षा दी है। बल्कि किसी की गलती करने पर प्रियंका एकदम कह देती है कि कोई बात नहीं और ताली बजाकर प्रोत्साहित करने लगती है। फिर हम सभी उस खिलाड़ी को शाबाशी देते हैं और उसे अच्छा खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुझे लगता है यही करना सबसे अच्छी बात है। इससे कम खिलाड़ी परेशान नहीं होता और अगली बार अपने को साबित करने के लिए अच्छा खेलता है। हाँ, हमारी प्रशिक्षक ने हमें यही सिखाया है। ये कहते हैं कि टीम का फायदा सबसे पहले सोचना चाहिए। टीम में किसी को भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। वे हमें चक दे फिल्म भी दिखाने ले गए। मैंने भी वह फिल्म देखी है। वह बहुत अच्छी फिल्म है। वह सिखाती है कि एक दल की तरह अच्छा कैसे खेला जा सकता है। दल के प्रत्येक सदस्य में कोई न कोई क्षमता होती है। दल को उस क्षमता का अच्छा प्रयोग करना आना चाहिए। हाँ, उसी प्रकार टीम में कुछ कमियां भी हो सकती हैं। हमें उन कमियों को छुपाकर अच्छी तरह खेलना आना चाहिए। मैंने ये फिल्म 6 बार देखी है। हम सभी ने इस फिल्म से बहुत कुछ सीखा है। फिल्म को देखने के बाद तो हम अपनी टीम में और भी सहयोग पूर्वक खेलते हैं। हमने लगान चलचित्र से भी यही सीखा था। मुझे वह चलचित्र भी बहुत पसंद आई थी। यह चलचित्र भी हमें सिखाती है कि अगर तुम मेहनत करो और दल के रूप में मिलकर खेलो तो तुम संसार में किसी को भी हरा सकते हो। इसीलिए हम सब इतनी मेहनत से काम करते हैं। एक बाल फिल्म की उस लड़के की तरह गूंगा बहरा होने पर भी वह क्रिकेट खिलाड़ी बना और भारत की टीम में चुना गया। यह सब सिर्फ उसकी मेहनत का ही फल था। हम भी भारतीय क्रिकेट टीम की तरह मशहूर होना चाहते हैं। अब अपनी जीत के बाद हम और मेहनत करेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर हम मेहनत करें और एक टीम की तरह अच्छा खेले तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। हाँ, इस जीत ने दल को बहुत आत्मविश्वास दिया है। अब वे मानते हैं कि मेहनत करने पर वे किसी भी मजबूत दल को हरा सकते हैं। अब उनके माता पिता ने भी उन्हें यात्रा करने की अनुमति दे दी है। क्या तुम पहले यात्रा नहीं करती थी? नहीं मीनू, पहले हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं थी। हम अपनी लंबी स्कर्ट में ठीक से नहीं खेल पाते थे।
हम पूरा समय इसमें उलझकर गिरती रहती थी। तो हमारी प्रशिक्षक ने हमें पैंट पहनकर आने को कहा था। ओ मेरे भगवान, पूरा गांव मुझसे लड़ने आया था। वे कह रहे थे कि मैं लड़कियों को पैंट पहनने को कैसे कह सकता हूँ, मगर वे लंबी स्कर्ट पहनकर कैसे खेल सकती थी। मुझे उन्हें समझाने में 2 घंटे लगे और आखिरकार वे मान गए। फिर हमें अपने गांव से बाहर जाकर खेलने के भी मौके मिले। हमारे माता पिता हमें यात्रा की अनुमति नहीं देते थे। हम बढ़िया मौके खो रहे थे। आखिर एक दिन हमारे प्रशिक्षक ने हमारे माता पिता से बात की और वे नजदीक की यात्रा के लिए मान गए। मैं जानती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि यह हमेशा लड़कियों के साथ ही क्यों होता है। लड़के कुछ भी करें, कोई उंगली नहीं उठाता, मगर लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती। ओ हाँ, आज भी खेल खत्म होते ही मुझे घर की ओर दौड़ना पड़ता है, नहीं तो मेरी माँ गुस्सा करती है। मगर मेरा भाई बातें करता रहता है और देर से घर लौटता है। मेरी माँ कुछ भी नहीं कहती, उसे मेरा हॉकी खेलना भी पसंद नहीं है। वह हमेशा शिकायत करता रहता है, उसकी टीम को पराजित करके मुझे बहुत खुशी हो रही थी। प्रियंका ठीक कह रही है, लड़कों के दल को पराजित करके हम सभी बहुत खुश थे। मगर घर पर मेरी माँ आज भी मुझे बराबर मौका नहीं देती। अगर मेरा भाई घर का कोई काम करता है तो मेरी माँ मुझ पर नाराज होने लगती है। वे कहती है कि बहनों के होते हुए वह काम क्यों कर रहा है। वे कहती है कि घर का सभी काम करना लड़कियों का कर्तव्य है और उन्हें किसी भी प्रकार उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। मगर मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कि लड़कियों की भी अपनी मर्जी होती है। तुम सब ने बहुत अच्छा किया और इस बात को साबित भी कर दिया। तुम सब में बहुत एकता है और मुझे यकीन है कि तुम प्रत्येक मैच को जरूर जीतोगे। मीनू, हम बहुत मेहनत करते हैं। हमारे प्रशिक्षक ने हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाया है। हम आपस में कोई भेदभाव नहीं रखते। हम विभिन्न समुदायों और जातियों के हैं और हम में से कुछ अमीर हैं और कुछ गरीब हैं, मगर हम सभी मिलकर टीम की तरह खेलते हैं। हमारी एकता के कारण हम हमेशा मैच जीत लेते हैं। हम अच्छा खेल खेलकर अपने गांव और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। हाँ प्रियंका, हम सभी को तुम पर और तुम्हारे दल पर नाज है। तुमने यह साबित कर दिया है कि एकता से हम कुछ भी जीत सकते हैं। हमारा देश भी सभी की एकता के बल पर बहुत कुछ पा सकता है। तुमने ठीक कहा है मीनू, किसी को भी धर्म या जाति के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। देखो, हम सभी के कारण हमारे परिवार भी आपस में मित्र हैं। हमारे कारण ही पूरा गांव एक है। लड़कर हम क्या पाएंगे? देखो, एक होकर हमने कितना कुछ पा लिया। तुमने ठीक कहा जुबैदा, हम सब भी अपने गांव जाकर हॉकी खेलना शुरू करेंगे। तुम्हारे सुझावों से हम भी एक दल बनाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें ये करना भी चाहिए मीनू, तुम सब मुझे समझदार लड़कियां लगती हो। मैं भी सप्ताह में 2 बार आकर तुम्हें
प्रशिक्षित करूंगा। धन्यवाद महोदय, यह तो आपकी उदारता है। प्रियंका, केवल रोज ही नहीं हॉकी सीखने के लिए और टीम में शामिल होने के लिए दीवार नहीं बांधी थी, बल्कि तुम और तुम्हारी पूरी टीम ने हॉकी खेलने के लिए दीवार फांदी है और चैंपियन भी बन गई हैं। वह कैसे मैडम? मीनू, उन सभी ने लिंग भेद की दीवार को फांदा है। उन्होंने अपने परिवार और समाज द्वारा बनाई गई लिंग भेद की दीवार को फांदा है। वे हमारी मार्गदर्शक रोशनी हैं। मीनू, मैं भी दल बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हम सभी मिलकर खेलेंगे। धन्यवाद चीनू। दोस्तों, क्या तुम कोई खेल खेलते हो? क्या तुम्हें लगता है कि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर मौका मिलता है? अगर तुम्हारा परिवार लड़कियों को बराबर मौका न दे, तो तुम्हें उन्हें प्यार से समझाना चाहिए कि यह ठीक बात नहीं है। लड़कों के समान मौका पाना लड़कियों का भी अधिकार है। दोस्तों, क्या आप निम्नलिखित के एक शब्द में उत्तर देंगे? आप इन्हें अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति। श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री। श्रीमती इंदिरा गांधी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। कल्पना चावला। प्रथम भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी। डॉक्टर किरण बेदी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। बिचेंद्री पाल। क्या आप मिलान करने में तोते की मदद करेंगे? पीटी उषा। एथलेटिक्स। कर्णम मलेश्वरी। भारोत्तोलन। सानिया मिर्जा। टेनिस। अंजू बॉबी जॉर्ज। लंबी कूद। साइना नेहवाल। बैडमिंटन। पीटी उषा। एथलेटिक्स। कर्णम मलेश्वरी। भारोत्तोलन। सानिया मिर्जा। टेनिस। अंजू बॉबी जॉर्ज। लंबी कूद। साइना नेहवाल। बैडमिंटन। आओ, रिक्त स्थान भरने में
पक्षी की मदद करें। यदि हम रहें तो हमारा राष्ट्र कुछ भी हासिल कर सकता है। यदि हम मिलकर रहें तो हमारा राष्ट्र कुछ भी हासिल कर सकता है। एक टीम खेल में टीम के हित के बारे में सोचना चाहिए। एक टीम खेल में टीम के हित के बारे में पहले सोचना चाहिए। टीम के सदस्यों को एक दूसरे को प्रोत्साहन और देना चाहिए। टीम के सदस्यों को एक दूसरे को प्रोत्साहन और समर्थन देना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को हड्डियां मजबूत करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? प्रत्येक बच्चे को हड्डियां मजबूत करने के लिए दूध की आवश्यकता होती है। हर रोज करने से खिलाड़ी मजबूत व स्वस्थ रहता है। हर रोज व्यायाम करने से खिलाड़ी मजबूत व स्वस्थ रहता है। यह अति आवश्यक है कि माता पिता अपनी बेटी व बेटों को अवसर प्रदान करें। यह अति आवश्यक है कि माता पिता अपनी बेटी व बेटों को बराबर अवसर प्रदान करें। हमारे देश के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार जाना व पढ़ाई करना है। हमारे देश के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार विद्यालय जाना व पढ़ाई करना है। क्या आप निम्नलिखित वाक्यों को सही या गलत जानने में बज की मदद करेंगे? लड़कियों को बाहर जाकर खेलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। गलत। कई घरों में लड़कियों को बाहर जाकर खेलने नहीं दिया जाता है। आज हमारे देश की कई महिलाओं ने नए आयाम हासिल किए हैं।
सही। किसी भी टीम खेल के लिए टीम में सदस्यों का आपसी सहयोग होना अत्यंत आवश्यक है। सही। एकता से हम कुछ नहीं पा सकते। गलत। दोस्तों, आपके लिए मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। क्या आप कृपया इन्हें एक एक करके अपनी कॉपी में लिखेंगे? फिर आप इनके उत्तर सोचकर अपने दोस्तों व अध्यापक के साथ भी चर्चा करें। आओ अब शुरू करें। क्या आप अपने विद्यालय या घर के पास अपने दोस्तों के साथ कोई खेल खेलते हैं? आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं? आपको कौन सा खेल पसंद है, टीम खेल या व्यक्तिगत खेल? जब आप टीम में खेलते हैं तो आप अपने लिए खेलते हैं या टीम के लिए? क्या तुम सोचते हो कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह खेलने की अनुमति मिलनी चाहिए? यदि नहीं तो तुम इसका क्या कारण सोचते हो? क्या तुम सोचते हो कि लड़कियों को बराबर के मौके देने चाहिए और सभी खेलों को खेलने की इजाजत मिलनी चाहिए? क्या लड़कियां और लड़के अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? यदि हाँ तो आपके अनुसार ऐसा क्यों है? क्या आपको लगता है कि लड़कियों को विद्यालय जाने से या खेलने से या अपनी रुचि का कोई कार्य करने से रोका जाना सही है? बहुत सी लड़कियों को नाच, खेल आदि में भाग लेने से रोका जाता है। क्या आपको लगता है कि यह सही है? यदि यही चीज लड़कों के साथ होगी तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा, फिर मिलेंगे। अलविदा।